हाय, मेरा नाम भावे सिद्धपुरा है। मैं युग इंडस्ट्रीज वडोदरा गुजरात से हूँ। ये कंपनी मेरे फादर ने यही जगह पे 1975 से एस्टाब्लिश किया हुआ है, ठीक है। ये कंपनी को अप्रोक्सीमेट 47 ईयर्स हो गया है, ठीक है। हम लोग बायो कंपोस्टेबल, बायो डिग्रेडेबल कॉर्न स्टार्च मेकिंग मशीनरीज मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों, मैं बताने वाला हूं आज जहां पे आया हुआ हूं, मैं आपको बताने वाला हूं कहां पे आया हूं। जी हाँ, आप वीडियो तो काफी देखते हो, यूट्यूब पे दिखाते कुछ और हैं, लेकिन असलियत कुछ और होती है। दिखाया जाता है कि इस मशीन से आप लाखों रुपए कमाओ, करोड़ों रुपए कमाओ, तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है? तो जी हाँ, मैं आज आपको एक ऐसी कंपनी पे लेके आया हूं जो कि असली मैन्युफैक्चरर है। ये नहीं कि मशीनें कहीं से खरीद के उसके बाद में आपको बेचा जाता है। तो दोस्तों, क्या होता है, आप मशीनें काफी महंगी खरीद लेते हैं। क्यों खरीद लेते हैं? क्योंकि आप मशीन जहां से लेते हैं वो डीलर से लेते हैं, और आपको पता है जब डीलर मशीन बेचेगा तो वो भी अपना मुनाफा कमाएगा। तो आइए, आज ऐसी कंपनी में लेके आया हूं जहां पे मशीनें बनाई जाती हैं, यही नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग, और यही नहीं कि पूरा आपको पूरा सपोर्ट दिया जाता है कि इसके अंदर जो काम होता है कैसे होता है, आपको पूरा सिखाया जाएगा, पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। और दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहूंगा, एक बार आप लाखों रुपए की मशीनें खरीदते हैं लेकिन एक काम नहीं करते, आप पहले कंपनी में आइए, विजिट कीजिए, देखिए कि असली मैन्युफैक्चरर है या नहीं। ये तो नहीं कि वीडियो के अंदर कुछ और दिखाया जा रहा है और आप यहाँ पे आते तो कुछ और दिखाया जा रहा है। तो दोस्तों, आज ऐसा बिजनेस आइडिया आपके लिए लेके आया हूं कि आपने सुना होगा कि क्या होते हैं, पर्यावरण हमारा दूषित हो जा रहा है। क्या होता है कि जैसे हम पन्नी होती है, पोलोथीन होती है, उसको हम फेंक देते हैं और उसके बाद उसको जानवर खा लेते हैं, और जानवर खाने के बाद में उनके पेट के अंदर इतना कचरा चला जाता है, जानवर मर जाते हैं। और आपको एक बार और भी दूसरी भी बात बताना चाहता हूं इसी के बारे में, मोदी जी क्या कह रहे हैं। हम भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक, क्या इससे देश को मुक्ति दिला सकते हैं? घर में प्लास्टिक हो, सिंगल यूज प्लास्टिक, या बाहर चौराहे पर पड़ा हो गंदी ना, सब इकट्ठा करें, नगर पालिकाएं, महानगर पालिकाएं, ग्राम पंचायत, सब इसको जमा करने की व्यवस्था करें। और हम प्लास्टिक को विदाई देने की दिशा में 2 अक्टूबर को एक पहला मजबूत कदम उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि मोदी जी इस बारे में क्या कह रहे हैं, आपने सुन ही लिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, और इसकी बात हमारी चाहे मानो ना मानो, लेकिन प्रधानमंत्री की तो बात आपको माननी पड़ेगी। तो दोस्तों, अभी आपको एक और नई चीज दिखाना चाहता हूं, ना आपने कहीं देखा होगा ना सुना होगा। क्यों नहीं देखा होगा, क्यों नहीं सुना होगा? अरे, ऐसा वीडियो अभी तक बना ही नहीं है। मैं बताना चाहता हूं, आपने बैग तो काफी लिए होंगे, उसके अंदर देखते कभी सुन के देख रहा है स्मेल आती है, लेकिन इसके अंदर पहली बार एक ऐसा वीडियो बनाया जा रहा है कि बैग के अंदर खुशबू आती है। आय हाय हाय हाय, क्या बात है, परफ्यूम लगाने की जरूरत ही नहीं, बैग ले जाइए अपने साथ में। देखिए ये चीज, देखिए, कहीं ना देखी होगी ना कहीं सुनी होगी, अभी सारा कुछ दिखाएंगे आपको इसी वीडियो में, बने रहिए। तो दोस्तों, एक चीज अभी आपको और यूनिक दिखाने वाला हूं, देखिए, ये कभी आपने देखी है, कभी नहीं देखी होगी, इसका बोलते हैं गार्बेज बैग रोल, और पूरी डिटेल बताएंगे इसी वीडियो के अंदर। जैसे ही पाजी ने बताया था कि ये कुछ प्रोडक्ट आपको दिखाई गई थी, ठीक है, आज तक आपको सब लोगों ने कैरी बैग दिखाई होगी, ठीक है। मैं आपको कैरी बैग तो आप लोगों ने देखी ही है, उसके अलावा कुछ दिखाना चाहता हूँ, आधे से ज्यादा लोगों ने देखा ही होगा ये क्या है, ये गार्बेज बैग का रोल है, ठीक है। मैं आपको ये वीडियो में दिखाना चाहता हूँ कि ये कहाँ का है, ये आप पढ़ सकते हो आराम से, ये आराम से पढ़ सकते हो, ये यूएई का है, यूएई के अंदर उमल क्वीन का है, उमल क्वीन में हमारी लगभग 6 मशीनें हमने सप्लाई की है, उसका ये प्रोडक्ट है, ठीक है। ये लवेंडर फ्लेवर में है, सरदार जी ने अभी सुगंध के बारे में बताया था कि अच्छी सुगंध आ रही है, तो इसकी टेक्नोलॉजी पूरे इंडिया में हमारे पास ही है, ठीक है। इसमें आप लवेंडर फ्लेवर, रोज का फ्लेवर है, मोगरा, चमेली, कोई भी फ्लेवर से आप बना सकते हो, जिससे क्या होगा, कस्टमर को ये हम मोनोपोली देंगे ना, तो ये कैरी बैग में अगर स्मेल आ रहा है, ठीक है, तो कैरी बैग में के गार्बेज में, ये खाली गार्बेज आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि अलग प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ आपको। कैरी बैग तो आप लोगों ने देखी है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, सरदार जी ने आगे बताया था
खाली आपको रोल बताया था, यहां से ये फट जाता है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए, ये यूएई, यूएसए, अफ्रीका, यूएई, इंडिया के बाद यही चल रहा है, ठीक है। इंडिया में भी आप रिलायंस में जाइए, बिग बाजार में जाइए, देखिए कैरी बैग हो गई, ठीक है, सब्जी है, डस्टबिन की, इसमें लवेंडर फ्लेवर है। जैसे सर ने अभी आपको बताया कि ये एक गार्बेज बैग है जो आउटसाइड इंडिया चलता है जी, ये हमारे पास आया है यूएई से। इसी तरह आपने नॉर्मली जो गार्बेज बैग देखा होगा वो इस तरह का देखा होगा, ब्लैक कलर का, इसमें खुशबू नहीं है, इंडियन मार्केट के अंदर खुशबू नहीं है। ये सारे गार्बेज बैग्स आउट ऑफ इंडिया में है, जहाँ पर हमारे मशीन्स लगे हैं, ये सारे सैंपल्स हमने वहाँ से कलेक्ट करवाए हैं, वहाँ से मंगवाए हैं, ताकि हम यहाँ इस चीज़ को इंडिया में लॉन्च कर सके, जो मोदी जी का सपना है स्वच्छ भारत का, उसमें हम पार्टिसिपेट करें, हम इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ताकि हमारा एनवायरमेंट जो है वो क्लीन रहे। आगे के वीडियो में आपने देखा दूसरी दूसरी टाइप की, तो ये टाइप की जो हम नई डिजाइन भी लेके आए, जिसमें अलग अलग कलर का जो बैग मेकिंग होता है वो भी हमने डेवलप किया है, और वो फॉरेन में ज़्यादा चलता है, इंडिया में कम चलता है, हम इसको इंडिया में लॉन्च करना चाहते हैं, इसके लिए सब हम मेहनत कर रहे हैं इंडिया के लिए ही। हेलो सर जी, नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज कुछ ना नाम पूछूंगा ना पहले कंपनी का नाम पूछूंगा, मैं एक ही चीज़ पूछना चाहता हूँ, ऐसे बिजनेस तो कई लोग कर रहे हैं, कई लोग मशीनें बना रहे हैं, लेकिन मैं देखता हूँ कि आपकी मशीनों की ज़्यादा डिमांड क्यों है? सर जी, हम लोग कस्टमर से कभी गलत डीलिंग नहीं करते, हम लोग फेयर डीलिंग करते हैं। हम लोग जो रेट होता है मशीन का, एक्चुअल रेट, और बिजनेस में एक होता है एक प्रॉफिट, जो हमारा प्रॉफिट होता है वही प्रॉफिट हम कैलकुलेट करके, जो भी मशीन का बेसिक अमाउंट हमारा जो बनता है, ठीक है, उसके ऊपर हम हमारा प्रॉफिट जोड़ के ही मशीन बेचते हैं। okay. कि 12 लाख की मशीन 22 लाख में हम लोग नहीं बेचते। पहले तो ये कारण है कि कस्टमर रिपीट आता है, वो कहीं पे भी पूछेगा तो मशीन का प्राइस सेम होगा, 10-20 हजार का फर्क पड़ेगा, कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग के यहाँ से लेगा तो, डीलर के यहाँ से लेगा तो डबल, ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा रेट, ठीक है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर के यहाँ ये क्वालिटी है। दूसरा, हमारी कंपनी है मैन्युफैक्चरिंग, तो हमारे यहाँ आफ्टर सेल्स एंड सर्विस की टीम है, ठीक है। आफ्टर सेल्स एंड सर्विस में क्या होता है, आफ्टर सेल्स एंड सर्विस का एक स्टोर होता है। स्टोर रूम में क्या होता है कि मशीन में जो 2280 पार्ट्स लगते हैं, उसके पार्ट्स सब कोई पार्ट्स वो आफ्टर सेल्स एंड सर्विस के स्टोर में रहते हैं, और हमारे पास इंडिया के अंदर 150 ऑपरेटर, 150 ऑपरेटर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं, युग इंडस्ट्रीज के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं भी मशीन जाता है हमारा एक्स वाई जेड इंडिया में के इंडिया के बाहर, ठीक है, वहाँ पे हमारा आदमी रहता है, ठीक है। वो आदमी को हम कभी भी मशीन में प्रॉब्लम आता है इंस्टॉलेशन का कुछ भी, तो आदमी को हम कांटेक्ट करते हैं मेल से या फ़ोन से, तो आदमी वहाँ कस्टमर को कांटेक्ट करके प्रॉब्लम जानता है, फिर वहाँ विजिट करता है, ठीक है। अगर उनसे हो जाता है ऑपरेटर से तो कर देते हैं, अगर कोई पार्ट्स में दिक्कत आती है तो कंपनी के आफ्टर सेल्स एंड सर्विस की टीम को इन्फॉर्म करेगा। आफ्टर सेल्स एंड सर्विस वाली टीम क्या करेगी, वो पार्ट्स को भेज देगी बाय एयर बाय रेलवे से भेज देगी, ठीक है, कस्टमर एंड तक, जहाँ पे हमारा मशीन है, जहाँ पे प्रॉब्लम आया है, ठीक है। तो हमारा बंदा तो वही है, ठीक है, तो बंदा वो पार्ट्स को रिप्लेस करके मशीन को रनिंग कर देगा। सबसे बड़ी ये पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से मशीन लेने का, ये फायदा है कि आपका मशीन रुकेगा नहीं, कभी बंद नहीं रहेगा, बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर ऐसा भी होता है कि हम जैसे मशीन को खाली चला के रखते हैं और ऑटोमेटिक काम करती रहे इसमें? हाँ, ये मशीन ऐसा ही है कि आपको एक बार जब मशीन में चालू करोगे, रनिंग करोगे, तो उसमें साइज सेट करनी है, ठीक है, आपकी ग्रेन्यूल्स की रेसिपी, जो ग्रेन्यूल्स आप मशीन के अंदर डालते हो, मतलब फीड करते हो, ठीक है, तो मटेरियल जो डालते हो ग्रेन्यूल्स, वो रेसिपी ऑलरेडी आपकी है, ठीक है। उसके बाद मशीन में आपको जो भी साइज बनानी है कैरी बैग की, 8, 10, 9, 13, 13, 16, जो भी इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से साइज चल रही है, या तो गार्बेज बनाई है, ठीक है, तो वो साइज सेट करके, साइज आ गई, गेज आ गया, मतलब थिकनेस, गेज मतलब थिकनेस, वो आ गई, उसके बाद अपने आप चलता ही रहता है। जब ग्रेन्यूल्स खत्म होता है, एक घंटा चलता है ग्रेन्यूल्स, एक घंटा, डेढ़ घंटा, 45 मिनट्स, जो भी चलता है उसको, वो खत्म हो रहा है, तो आदमी जाके वो ग्रेन्यूल्स फीड करता है हॉपर के अंदर। सर, एक क्वेश्चन और करना चाहता हूँ कि मार्केट में आपने देखा होगा कि कई लोग वीडियो बना रहे हैं और उसमें दिखाते हैं मशीन किसी और की दिखा दी और उसमें दिखाते कि हम खुद मैन्युफैक्चर आ रहे हैं, तो क्या होता है कि कस्टमर को लगता है कि एक जगह से धोखा खाता है तो दूसरी जगह, कहते हैं ना, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है, तो इस वजह से कस्टमर के अंदर दिमाग में थोड़ा डर बैठ जाता है कि यार पता नहीं ये भी बंदा कहीं हमसे ऐसा ना करे। तो हम तो कस्टमर को बोलते ही है, हम तो बोलते ही, हम तो सब जगह रजिस्टर्ड है, इंडिया मार्ट पे है, ट्रेड इंडिया में है,
फेसबुक में है, ठीक है, सब जगह हम रजिस्टर्ड है, ठीक है, यूट्यूब में भी है, युग इंडस्ट्रीज वडोदरा करके आप सर्च करोगे तो हमारे कंपनी के कम से कम 300 प्लस वीडियो मिलेंगे। मतलब वो मेजर वीडियो जो अच्छे वाले वो हमने डाले, मतलब 300 मशीन तो हमारी ऑलरेडी कस्टमर एंड तक चल रही है और वीडियो हमारे कंपनी का नहीं है, ठीक है, कस्टमर एंड पे हमने जब ट्रायल लिया है इंस्टॉलेशन उसका वीडियो है वो हमने डाला हुआ है। 300 मशीन अलग अलग मॉडल्स की देखने के बाद भी कस्टमर डीलर्स के पास जाएगा तो ना उसको सर्विस मिलेगी, अगर मशीन में कोई प्रॉब्लम आता है तो ना उसको कोई सॉल्यूशन मिलेगा। हमारे यहाँ क्या है, पूरी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम बैठी है, ठीक है, मशीन के अंदर जो 2280 पार्ट्स लगते हैं हमारी मशीन के अंदर जिसको ब्लोन फिल्म प्लांट बोलते हैं, ठीक है, एक्सट्रूडर मशीन, उसमें सेटअप में तो 6 मशीन आती है, मैं एक ही मशीन के पार्ट्स की बात कर रहा हूँ। डीलर को ये भी पता नहीं है, कस्टमर आप पूछिए कि मशीन के अंदर कितने पार्ट्स लग रहे हैं, स्क्रू का L&D रेशियो क्या है, स्क्रू की लेंथ क्या है, गियरबॉक्स कितने सीढ़ी का है, सिंगल स्टेज का है, डबल स्टेज का है, कौन सा उसके अंदर ऑयल डालते हैं वो भी नहीं पता है। कस्टमर जाता है उनकी मीठी मीठी बातों में आ जाता है, ऑफिस देखता है, ठीक है, ऑफिस देख के उनके यहाँ मशीन रहती है, ठीक है, स्ट्रक्चर रहता है, वो हमारे जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग के यहाँ से ले जाता है। जब कस्टमर आता है तो एक आध आदमी रहते हैं वो वेल्डिंग मारने चढ़ा देता है, कस्टमर को लगता है ये मैन्युफैक्चरर है, पर एक्चुअल कस्टमर वहां 2-3 दिन रुकना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि 15-20 लाख ये धंधे में वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है कस्टमर, तो कस्टमर को ये देखना चाहिए, उनको आलस नहीं करनी चाहिए। 2-3 दिन अगर मैन्युफैक्चर जेन्युइन है तो वहां स्ट्रक्चर से लेके पेंट से लेके असेंबली या तो डिस्पैच कुछ ना कुछ दिखे तो ही उसको ऑर्डर दीजिए, नहीं तो मैं आपको एक गाइड कर रहा हूं, आप लोग मेरी बात तो मानोगे नहीं, बट मैं एक बता रहा हूं, एक्सट्रूडर जो मशीन है पूरे इंडिया में उसका जन्मदाता बड़ौदा गुजरात है, और आज की तारीख में बड़ौदा गुजरात जैसी मशीन में क्या क्वालिटी है, एक तो रिजनेबल प्राइस है, पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड के लोग बड़ौदा गुजरात ही आते हैं, ठीक है, आप कहीं से भी एक बार मशीन लो, दूसरी बार तो आपको बड़ौदा गुजरात ही आना है, क्योंकि आपको 6 महीने के बाद पता चल जाता है कि ये मशीन का जन्मदाता या तो ये मशीन अच्छे में अच्छी बड़ौदा गुजरात से ही आती है, ठीक है, तो आपको दूसरी बार आना है, उससे अच्छा पहली बार आके ही हमारे से लीजिए ताकि आपका जो पैसा है जो वेस्ट होने वाला वो नहीं होगा, ठीक है सर, तो यही दिक्कत है। एक बात काफी आपने अच्छी कही कि किसी के स्वभाव के बारे में अगर आपको जानना है, कई बार हम कहीं जाते तो कोट पैंट पहन के तो हम भी चले जाते हैं लेकिन आदमी के स्वभाव के बारे में नहीं चला पता लगता, 5-10 मिनट 1-2 घंटे में नहीं, उसके बारे में अगर कुछ दोस्तों आपको पता करना है तो उसके साथ 1-2 दिन रहिए, उसका स्वभाव पता लग जाएगा, बंदा कैसा है, कैसी कंपनी है। तो मैं बार बार आपसे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ऑनलाइन मशीनें तो सब ऑर्डर कर लेते हैं, पहले आप आइए यहाँ पे, आप लाखों रुपये खर्च करते हो, जब लाखों रुपये खर्च करते हो तो कुछ ही हज़ार खर्च करके आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे रहने खाने की सारी पूरी व्यवस्था, पूरी कंपनी की फैसिलिटी है, ठीक है, आपको सब फैसिलिटी देती है, आप कहीं से भी आ सकते हो। यहाँ पे गुजरात एक ऐसी सिटी है कि पूरा मैन्युफैक्चरिंग का एक गढ़ है जहाँ पे मशीनें बनाई जाती है, बाकी लोग तो वैसे ही दिखा देते हैं और लास्ट में तो कस्टमर का ही फायदा है। जी जी जी, जो मशीन यहाँ से 13 लाख में मिलने वाली है फुल सेटअप, ठीक है, 35 kg/hour वाला जिसकी विड्थ आती है 24 इंच, एक जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे तो मेरे पास काफी मॉडल्स है, ठीक है, हाईटेक मॉडल है, अभी हम लोगों ने हाईटेक मॉडल, मतलब हाईटेक मॉडल क्या है, हाई टेक्नोलॉजी वाइज जो जर्मनी और जापान की टेक्नोलॉजी हमने यूज की है, वो टेक्नोलॉजी लाने के लिए हमको हमारी कंपनी को 3 करोड़ प्लस की मशीनें लानी पड़ी CNC VMC जर्मनी से, क्योंकि उसके अंदर जो पार्ट्स बनेगा, जो हमारी मशीन का जो पार्ट्स बनेगा एज पर ड्रॉइंग प्रिसीजन पार्ट्स बनेगा वो एक्यूरेसी में बनेगा, क्योंकि पहले क्या लेथ मशीन पे बनता था तो 6-8 महीने में घिस जाता था, अभी डीलर से लोगे तो पार्ट्स तो आपको मिलेगा ही नहीं। जी जी जी। और मेरे पास ऐसे कितने कस्टमर है जो दिल्ली से XYZ, मैं किसी कंपनी का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, आप कहीं से भी दिल्ली से मशीन लेते हो, दिल्ली में मैं 110% ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, आप पुराने कस्टमर जो दिल्ली से मशीन लिया है उनको 6 महीने बाद जाके मिलिए, वो कस्टमर आपको बताएंगे दिल्ली में कोई मैन्युफैक्चर नहीं है, बड़ौदा में युग इंडस्ट्रीज बिगेस्ट एंड वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरर है, जो प्रीमियम एंड सुपीरियर क्वालिटी की मशीन बना रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा हूं मैं मेरी मशीन की तारीफ कर रहा हूं, बराबर है, हम लोग मंथली 50-60 मशीन का सेलिंग करते हैं, हमारे पास कस्टमर है, ये वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि कस्टमर मिसगाइड नहीं हो, उनका जो फंड है 13 लाख की मशीन का 22 लाख 25 लाख 17 लाख ना दे, वो बड़ौदा गुजरात आए, यहाँ आए देखे 2-3 दिन रहे, यहाँ मशीन बनता हुआ A to Z बनता हुआ मिलेगा, और जो 6 मशीनरी यहाँ जो ये सेटअप में लगती है कैरी बैग बनाने में बायोडिग्रेडेबल कंपोस्टेबल कॉर्नस्टार्च की जो कैरी बैग होती है उसके लिए 6 टाइप की मशीनें लगती है फुल सेटअप में, तो वो यहाँ पे एक ही जगह पे आपको देखने को बनते हुए मिलेगी, और डिस्पैच भी अगर आपको यहाँ रुकोगे 2-3 दिन तो आपको यहाँ रेगुलर डिस्पैच ऑल ओवर इंडिया में, ऐसा नहीं है कि दिल्ली कलकत्ता, आप कहीं का भी डिस्पैच यहाँ मिलेगा आपको देखता हुआ। तो सर एक
चीज़ और भी प्रॉब्लम आती है। देखो मशीनें तो सब दे देते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है रॉ मटेरियल की। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, क्या आप दोगे या कहीं से दिलवाओगे? सर हमारा हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है जी। हमारे पास हम लोगों ने एक सेगमेंट बनाया है, हमारे हमारी कंपनी की सिस्टर कंसल्ट एक कंपनी है, ठीक है। हमने एक पार्टीशन किया है कि एक टीम खाली रॉ मटेरियल का ही देखेगी, ठीक है। हमारे पास ऐसे R&D, मैंने आगे भी बताया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है जो मशीन का रिसर्च करती है। अगर कोई प्रॉब्लम आया, क्यों आया, ठीक है, उसके बाद वो पार्ट्स को चेंज करना है, रिप्लेस करना है, अगली बार दूसरे कोई भी कस्टमर के यहाँ पे प्रॉब्लम ना आए मशीन में, वही प्रॉब्लम जो सेम प्रॉब्लम आगे आया है, ठीक है, उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है, वो ड्राइंग चेंज करती है, ड्राइंग चेंज करने के बाद पार्ट्स बनते हैं। ऐसे ही ग्रेन्यूल्स का हमारे पास एक टीम है जो कस्टमर को ग्रेन्यूल्स सप्लाई करती है। हमारा चाइना और जर्मनी टाई अप है, वहाँ जो ग्रेन्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, ठीक है, फिलर यहाँ पे ही बनता है, ठीक है, यहाँ से हम लोग अवेलेबिलिटी करा देते हैं, जो उसके अंदर कंपाउंडिंग जो मिक्स होता है वो, मतलब वो सब हम यहाँ कस्टमर आते हैं ना तो यहाँ हम लोग मीटिंग में उनको पूरा क्लियर करते हैं, उनको पूरा ट्रेनिंग देते कि आपको ये बैग कितने में तैयार होगी, ठीक है। अभी हैदराबाद का आज एक संतोष करके एक कस्टमर का कॉल आया, उन्होंने दिल्ली से कहीं से मशीन लिया होगा, ठीक है, उसको कुछ 22-23 लाख रुपए दिया होगा, ठीक है, तो उसको खाली एक कटिंग सीलिंग पकड़ा दी। अच्छा। ना ऑपरेटर दे रहा है ना कोई दूसरा सेटअप दे रहा है, ठीक है, कस्टमर बोल रहा है मेरी हेल्प करो, मैं क्या हेल्प करूं बताइए, तो भी मैंने उनको ऑपरेटर प्रोवाइड किया, वो बोला दूसरी मशीन चाहिए तो मेरे पास से लो, तो उसने मेरे पास से कोटेशन मंगाया, तो मेरे को क्या बोलता है, भाई साहब आप पूरा सेटअप इतने में दे रहे हो 16 लाख में, वो मेरे से 22 लाख लिया। वो अलग मॉडल था, मैंने 13 लाख वाला आगे बोला, वो मॉडल अलग था, ये मॉडल अलग था। तो मैं भी करना चाहता हूँ कि जैसे कि कई बार हम भी मार्केट से बैग लेके आते हैं तो उसमें क्या होता है, हम तो आराम से लेके आ जाते हैं या कहीं टाके ले आते, बाद में देखते हैं उसके अंदर सामान ही नहीं, फट जाता है वो। सर उसमें क्या होता है कि वो मशीनों की दिक्कत होती है, ग्रेन्यूल्स की दिक्कत होती है, रॉ मटेरियल की। मशीन में क्या करते हैं कि लोग जो डीलर्स है जिसको टेक्निकली नॉलेज नहीं है वो कहीं से भी मशीन खरीद के ले आते हैं, ठीक है, उसके अंदर जो स्क्रू बैरल होता है, ग्रूड बॉडी होती है, काफी पार्ट्स मैंने आगे भी बताया 2280 पार्ट्स लगते हैं, तो वो डल क्वालिटी का है या तो स्क्रू बैरल की लेंथ कम है, वो स्पेशली फॉर बायो कंपोस्टेबल के लिए नहीं बनाया है, वो प्लास्टिक का मशीन दे देते हैं, ठीक है। हमारे मशीन ऐसा है, ये कस्टमर को अभी तक पता नहीं, आधे लोग क्या बोलते हैं कि बायो की मशीन लेनी है, बायो की मशीन है तो महंगी आती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों ने मशीन में ऑलरेडी 2017 से हम लोगों ने मॉडिफिकेशन कर दिया है, ठीक है, हमारी मशीन कस्टमर अगर ले जाएगा तो ये कैरी बैग का जो मतलब जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, डीलर उसको ये भी नहीं पता होगा, आप पूछिएगा HMHDPE आता है कैरी बैग में एक मटेरियल, LDPE आता है, LLDPE आता है, उसके अंदर कलर के लिए मास्टर बैग डाली जाती है, मतलब कोई भी कलर करना है तो 25 किलो में 100 ग्राम 150 ग्राम एज पर कस्टमर डिमांड, मतलब मार्केट में कैसा चल रहा है वो हिसाब से उसको मास्टर बैग डालनी होती है, ठीक है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए वीडियो काफी लंबा हो जाता है, फिर आप खुद कमेंट करते हो सर वीडियो ज्यादा बड़ा है, तो वीडियो को ज्यादा ना बड़ा करते हुए आपको डेमो वगैरह आप जैसे कि स्क्रीन पे पीछे देख रहे हैं कि पूरी मशीनें चल रही है, पूरा डेमो दिखाया जा रहा है, इसके अंदर कैसे प्रोसेसर हो रहा है, कैसे इसमें रॉ मटेरियल लगाया जाता है और कैसा इस मतलब कैरी बैग कैसे तैयार हो रहा है, इसके अंदर सब कुछ आप पीछे स्क्रीन पे देख रहे हैं। और दोस्तों एक काम जरूर करना, आप कमेंट करके जरूर बताना कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें पता लगे हमारे व्यूअर्स कहां कहां पे हमारी वीडियो देख रहे हैं।